आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं. आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से फोकस कर रहे हैं. करें हम बात करें फूड और डाइट के बारे में कि आपकी खाना आपकी गज़ा जो है वो क्या है उसकी क्या अहमियत है उसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट हैं? उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए वो सब आपको किन किन खानों से मिलेगा उसके बारे में सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दिस क्यों जरूरी है क्योंकि हम रोज इतनी चीजें खाते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमें क्या प्रोवाइड करता है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा अपने खाने को सिलेक्ट करना और हम अच्छी चीजें खाएंगे और बुरी चीजों को अवॉइड करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को अच्छा मेंटेन करने के लिए शायद आपको उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता आपके सराउंडिंग में लेकिन बहुत जरूरी होता है अच्छा खाना किस लिए बीमारियों से बचने के लिए एक्टिव रहने के लिए फिजिकली अच्छा परफॉर्म करने के लिए यहाँ तक कि मेंटली भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए अगर आप अच्छा खाते नहीं हो तो आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते आप कोई भी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपकी बॉडी में वो चीज़ें प्रॉपर्ली है ही नहीं जिनकी आपको जरूरत है अपनी बॉडी को उसकी फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करने के लिए राइट right? तो so, इस वजह से चैप्टर इस लिहाज से बहुत अहम है एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बहुत से इसको सुने अंडरस्टैंड करें और जो आप उसे सीखें आप उसे अपनी जिंदगी में यूज भी करें यूटिलाइज भी करें यह नहीं है कि बस बात सुनी एग्जाम दिया और भूल गए बल्कि आप अंडरस्टैंड करो कि अच्छा ये चीज मेरे लिए अच्छी है इससे मुझे ये ज्यादा मिलेगा और फिर आपको पता हो कि ओ इस चीज में ज्यादा प्रोटीन है इस चीज में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और आप उस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान कर सको इन ऑर्डर ऑफ यू ईट सबसे पहले हम कह रहे हैं बात कर रहे हैं द राइट फूड की कि सही वजह क्या है आपके लिए द राइट फूड क्या है राइट फूड से यहां बराधे वो खाना जो वाकई आपके लिए अच्छा है जो तो आपको वो सब कुछ देता है जिसकी आपको जरूरत है ये नहीं कि बस आपने खाना खाया है भूख लगी और दैट्स इट नो द फूड इज गिविंग यू वॉट यू नीड इट्स गिविंग यू द राइट न्यूट्रिय तो अब हम राइट right फूड की डिस्कशन करें कि खाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए और उस हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपको वो सारी चीजें वो सारी न्यूट्रिशंट जो है मिल सके सो द राइट फूड फूड कंटेन्स एवरीथिंग दैट द बॉडी नीड्स सम फूड डज नॉट तो खाने में बेसिकली वो सब कुछ होता है जिसकी एक बॉडी को जरूरत होती है उसमें प्रोटीन्स आ जा जाते हैं फैट्स आ जा जाते हैं मिनरल्स आ जा जाते हैं वो सब कुछ हमारी गजाओं में शामिल होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गजा जो इससे भरपूर हो कभी कभी आप अनहेल्दी चीजें भी खाते जैसे अगर आप गोला खा रहे हो या फिर आपको इस तरह की फ्राइज खा रहे हो बहुत ऑयली गलत ऑयल में बनी हुई तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स कम और नुकसान ज्यादा मिल रहा है राइट तो इस वजह तो से हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड की द राइट फूड की तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके खाने में आपकी गजा में सब कुछ शामिल हो सकता है अलग अलग चीजों से आपको कंप्लीट एक न्यूट्रिशियस पैकेज मिल सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर खाने में वो हो सम फूड नॉट यू शुड ईट समूड गुड फॉर यू इस वजह से आपको सिलेक्ट और चूज करना पड़ता है कि आप क्या खाओ आप कौन सी गजा लो वो गजा लो जिसमें वाकई वो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है बजाय इसके कि वो जो आपको कोई उस तरह से न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी उस तरह से आपको सेहतमंद चीजें अता नहीं कर रही योर बॉडी नीड्स आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बॉडी को बेसिकली किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है फॉलो मी सो ओवर सोर वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स जिनकी हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए डिफरेंट पर्पजेस के लिए एनर्जी के लिए जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनकी एक लिस्ट है यहाँ पर तो उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी की जरूरत होती है प्रोटीन की प्रोटीन का आपने अक्सर नाम सुना होगा कहते हैं दूध में प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है मीट में प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो प्रोटीन जो है बेसिकली वो हमारे मसल्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अंडों से भी हमें काफी प्रोटीन मिलती है अगर आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो लोग ज्यादा ज्यादा अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वो फिर प्रोटीन में बहुत ही रिच खाना खाते हैं जो इस खाने में ज्यादा प्रोटीन हो उसको प्रेफर करते हैं उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए बहुत अहम होते हैं बल्कि ज़्यादातर जो जा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से ही मिलती है सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से जिन खानों में कार्ब ज्यादा हो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो उनको भी लोग प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को स्पेशली वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना देते हैं ताकि बच्चों में एनर्जी ज्यादा हो फिर आ जाते हैं मिनरल्स मिनरल्स का आपने अक्सर सुना होगा मिनरल वाटर भी लोग पीते हैं क्योंकि उसमें भी मिनरल्स होते हैं राइट right? मिनरल्स अलग अलग तरह के होते हैं आयरन कैल्शियम देर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और तो इनकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वो खाना जिसमें मिनरल्स हो हमें वो प्रिफर करना चाहिए बजाय इसके कि जो खाना मिनरल से खाली है वो हम खाएं उसके बाद हम कह रहे हैं वाइटामिन वाइटामिन तो आप हमेशा सुनते रहोगे और डॉक्टर्स कहते होंगे इसमें वाइटामिन डी की कमी है वाइटामिन सी की कमी है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन वो अलग अलग तरीके से हमें बेनिफिट करते हैं और वजह तो से हमें वाइटामिन को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर वाइटामिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं जैसे कि विटामिन डी जो होता है जो धूप से मिलता है वो भी हमें कभी कभी उसकी कमी हो जाती है क्यों क्योंकि हम अपने आप को धूप से उतना प्रॉपरली एक्सपोज नहीं करते सो so, इस तरह डिफरेंट वाइटामिन जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है हमें एहतियात करनी चाहिए कि खाने के जरिए या डिफरेंट तरीकों से हम वो वाइटामिन अपनी बॉडी के अंदर जरूर लेकर जाए नेक्स्ट वी हैव ऑयल्स ऑयल तकरीबन हम सभी इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिर्फ कुकिंग ऑयल की बात नहीं हो रही अलग अलग ऑयल्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है फॉर बेटर फंक्शनिंग तो वो भी हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए एंड लास्टली फैट्स सुनकर अजीब लग रहा होगा कि फैट्स क्यों खाएं फैट्स है, तो हम मोटे हो जाएंगे नो no. बट फैट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जब फैट जरूरत से ज्यादा हो जाए तब वो बीसीटी की तरफ या मोटापे की तरफ जाते हैं लेकिन वैसे हमें हमेशा अपनी डाइट में फैट्स रखने चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को फैट्स की जरूरत होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सो दैट्स ए लिस्ट ऑफ थिंग्स प्रोटीन्स आ गए कार्बोहाइड्रेट्स आ गए मिनरल्स आ गए वाइटाम आ गए ऑल ऑफ दीज थिंग्स